उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि सभी प्रमुख धार्मिक स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने अब अनिवार्य होंगे। इस बाबत धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधकों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेशों की अनुपालना के लिए 3 दिन समय का निर्धारित किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि अगर निर्धारित विधि के भीतर धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में प्रमुख शक्ति स्थलों, पीठों, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर पूरी रोक लगाई गई है। इसी कड़ी में अब इन धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यहां पर लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा सके। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कारगर कदम उठा रहा है तथा इसमें सभी नागरिकों को आदेश की अनुपालना करना भी सुनिश्चित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश आया था जिसमें ये बोला गया था कि जो भी हमारे प्रमुख इस तरह से आस्था के स्थल हैं, खास करके जो बड़े मंदिर हैं, जो हमारे गुरुद्वारे हैं, जो हमारे मस्जिद है और गिरजाघर है, उन सब जगह पर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे उनमें सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए बोला गया और जो पूरा परिसर है उसको कवर करने के लिए भी कैमरे लगाने की जरूरत महसूस की गई। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि अभी बैसाखी का समय है और पीछे जब नवरात्र का भी समय था लोगों की मूवमेंट रहती थी, बहुत सारे टेम्पल्स, बड़े जो टेम्पल्स थे उनको बंद कर दिया गया था, बाकी जो हमारे जो मस्जिदें हैं उनको भी बंद कर दी गई थी, लेकिन इसके उपरांत भी कुछ लोग मंदिरों के आसपास जाते हैं। इनकी पूरी जानकारी हो इसके लिए बहुत ज़रूरत थी कि इन कैमरों को वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए और उसी अनुरूप कल एक आदेश पारित किए गए हैं कि 3 दिन के भीतर ऐसे जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे इन कैमरों का, सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम किया जाएगा।